किस साल का सूखा रोहित शर्मा मिटा पाएंगे? भारतीय टीम ने 21 साल से नहीं जीता है एक स्टेडियम में, एक पिच पे, और उस पिच का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। मतलब ये पोर्ट ऑफ स्पेन जो पिच है, उस पिच के ऊपर भारतीय टीम ने 21 साल से नहीं जीता है, और जो हमारी जीत है उसका सूखा पड़ा है इस पिच के ऊपर। रोहित शर्मा के ऊपर ये 21 साल की जिम्मेदारी है जो वो मिटा सकते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में जाके अपनी जीत दर्ज करके। मतलब रोहित शर्मा 20 जुलाई को होने वाले इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज के सेकेंड टेस्ट मैचेस में अगर जीत दर्ज कर लेते इस पिच के ऊपर, तो वो 21 साल का जो सूखा है वो मिट जाएगा, और इस पिच का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो अगर मैं बता दूं तो पहला मैच डोमिनिका में हम लोगों ने जीता था, जिसमें भारतीय टीम ने बहुत अच्छे शानदार से तरीके से जीत की दर्ज की थी, जिसमें सचिन जयसवाल का जो था वो बोलबाला रहा था, और उसके साथ साथ विराट कोहली का और रोहित शर्मा का बोलबाला रहा था। साथ में अगर सबसे बड़े बोलबाले की बात करूं तो वो था रविचंद्रन अश्विन का, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने वहां पे सारे वेस्टइंडीज के बैट्समैन को ये बता दिया था कि किंग ऑफ स्पिन एक ही होता है, और वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन के उस स्पिन के बाद जो वेस्टइंडीज वाले हैं वो अभी तक सदमे में हैं और कोई बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन ये पोर्ट ऑफ स्पेन जो इतनी नंदा में है, उस पिच के ऊपर क्या रोहित शर्मा वो 21 साल का सूखा मिटा पाएंगे, जो 21 साल का सूखा अभी तक बहुत सारे जो कैप्टन है वो नहीं मिटा पाए। अगर मैं बात करूं तो 1989 के बाद 2016 में टीम गई थी खेलने उस पिच के ऊपर, जिसके बाद उस पिच के ऊपर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट खेला था, लेकिन उस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज नहीं की, वो मैच ड्रॉ रह गया था, और जो लेगेसी है वेस्टइंडीज का उस पिच के ऊपर वो कंटिन्यू रह गया था। तो वेस्टइंडीज उस पिच के ऊपर हारती नहीं है, और कहा जाता है कि जो पिच है वो काफी जादुई पिच है, मतलब उस पिच पे क्या होने वाला रहता है किसी को नहीं पता। अगर मैं इस पिच की बात करूं तो पिच ये बैटिंग पिच मानी जाती है, क्योंकि अगर मैं 38 मैचों की बात करूं तो इसमें 20 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और 18 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बॉलिंग करने वाली टीम जीती है। तो यह जो पिच है ये काफी जादुई पिच है, मतलब इस पिच पे भारतीय टीम ने 21 साल से नहीं जीता है, और रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। अब टीम इंडिया के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, तो रोहित शर्मा को इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और टीम इंडिया को मैच जितवाना पड़ेगा। अगर मैं बात कर लूँ स्क्वाड की, तो स्क्वाड में हो सकता है कि ये जो मैचेस है जिसमें जो प्लेयर्स है वो सारे प्लेयर्स वही रहे जिसने पहले टेस्ट में खेला है, लेकिन कुछ खबरें निकल के आ रहे थे जिसमें ये पता चल रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस करने वाले, मतलब प्लेइंग 11 में हो सकता है कि एक दो प्लेयर को बैठा के जो नए प्लेयर गए हैं स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में उसको चांसेस मिल जाए, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ गए हैं उसको हो सकता है कि चांसेस मिल सकता है इस पिच के ऊपर। अब इस पिच के आंकड़े की तो मैंने बात कर दी, और आपको मैंने बता दिया कि पिच कहता है, इस पिच पे जो पहले बैटिंग करता है वो पिच, ये पिच उसको ज्यादा सपोर्ट करता है और बैटिंग पिच मानी जाती है। लेकिन अगर बॉलिंग पिच की बात भी करूं तो बॉलिंग पिच भी बहुत सारे लोग जो है वो जीते हैं। तो 38 मैच में से 20 मैचेस जो बैटिंग करने वाली टीम है वो जीती है, और जो बाकी बॉलिंग करने वाली टीम है 18 मैचेस वो जीती है। इस बार विराट कोहली के लिए भी ये शानदार रहने वाला है, अगर विराट कोहली ये जो खेल लेते हैं तो उसका भी एक नए नए रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा। तो क्या हो सकता है कि विराट कोहली जो है इस मैच के दौरान अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ दे, क्या यशस्वी जायसवाल फिर से जो दोहरा शतक है वो मार दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 21 साल का सूखा पड़ा रोहित शर्मा जो है वो हम लोगों को इस साल जितवा सकता है, और विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जो है वो दोनों का परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दोनों चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आएगा शुभमन गिल के ऊपर कि शुभमन गिल क्या अभी भी उसी फॉर्म में चलेंगे जिस फॉर्म से वो WTC फाइनल से जूझ रहे हैं और अभी तक आ रहे हैं। हालांकि WTC फाइनल से पहले उनके 3 अर्धशतक थे IPL के अंदर, उससे पहले भारतीय टीम में जब खेला था तो 3 शतक थे IPL के अंदर, भारतीय टीम के अंदर शतक पे शतक मारा, दोहरा शतक मारा, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी उसने शतक मारा। अब यहाँ पे अगर मार दिया जाता है पोर्ट ऑफ स्पेन में तो ये बहुत ही बेहद खास इनिंग होगा यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के। बाकी यहाँ पे 21 साल का सूखा को खत्म करने की जिम्मेदारी जो है वो रोहित शर्मा के ऊपर दी गई है, और रोहित शर्मा हो सकते हैं कि यह जो जिम्मेदारी है तो उसको अच्छे से निभाए। तो क्या रोहित शर्मा 21 साल का सूखा मिटा पाएंगे, इसका जवाब मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, और आप लोग इसको बताइए कि क्या रोहित शर्मा ऐसा कर सकते हैं, वेस्टइंडीज को हरा सकते हैं और 21 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा, अगर ऐसा हो जाता है तो मजा आ जाता है।
तो अगर आप लोगों का कुछ भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।